आपके बचपन से लेकर आज तक आपके मन की जैसी भी हालत रही है, जरूरी नहीं है कि आपके मन की हालत हमेशा वैसी ही रहे। कुछ ऐसा ढूंढिए जिसके लिए आप में जुनून हो। आपको कुछ तीव्रता बढ़ानी है, ध्यान अपने आप लगेगा। सबसे आसान काम है अपने मन के ढांचे को बदलना। देखिए, अगर बात शरीर और मन की हो तो दो इंसानों की क्षमता कभी भी एक जैसी नहीं होती है ना। शारीरिक या मानसिक रूप से एक इंसान जो कर सकता है दूसरा वो नहीं कर सकता है। वो कई तरीकों से अलग होते हैं। अक्सर नाम दे दिया जाता है, मुझ में ध्यान की कमी है, मैं ADD ABC XYZ हूं, कितनी सारी चीजें। बात तो ये है कि खुद को बेहतरीन कैसे बनाया जाए, है ना। आप ध्यान नहीं दे पाते, पर मुझे एक अलग ही समस्या थी। मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता था। अगर मैं यहां ध्यान देता तो अपना ध्यान वहां नहीं दे पाता था। मैं बस इसे घंटों तक देखता रहता था। लोगों ने सोचा ये भी एक समस्या है। लोगों को ये एक समस्या लगी, वो बस एक ही चीज को देखता रहता है। मुझे वो स्थिति आज भी याद है, वो कितनी अजीब थी। आप जानते हैं, मेरे पिता ने पूरे जीवन जबरदस्त पढ़ाई की, पर दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे जैसा बेटा पैदा किया जिसे पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं थी किसी भी तरह की। तो उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था और हर शाम 7 से 9 तक हर रोज हम चारों भाइयों बहनों को पढ़ना होता था स्कूल की किताब। मैं एक किताब उठाता था, मेरे लिए हर किताब एक सी होती थी। फिर मैं उसे खोलता था, चाहे पेज कोई भी हो, मैं बस खोलता था और मुझे पेज पर कुछ छोटे धब्बे, कागज पर कुछ दोष मिलते थे। मैं बस उन्हें देखता था, बस बात खत्म। ये मेरा ध्यान ऐसे खींचते थे कि मैं 2 घंटे उन्हीं को देखता रहता था। मैं कुछ नहीं पढ़ता था, पर मैं ऊपर या यहां वहां नहीं देखता था क्योंकि मेरा ध्यान वहीं होता था। 2 घंटे मैं बस उसी को देखता था, क्योंकि एक धब्बे में इतना कुछ है ना। उस एक कण में पूरी दुनिया है। लोग पूरा जीवन अणु या परमाणु को देखते हुए बिता चुके हैं, है ना। धब्बा तो परमाणु से बहुत बड़ा होता है, पर लोगों को यह पागलपन लगा क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था। तो खुद को नए नए नाम मत दीजिए। कौन तय करेगा कि आप में अटेंशन की कमी है? क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड है कि कितना ध्यान देना चाहिए या आपको कितना ध्यान मिलना चाहिए? ऐसा कोई स्टैंडर्ड कहीं नहीं है, है ना। आप खुद बना रहे हैं। समस्या ये है कि बचपन से ही बच्चों पे ठप्पा लगा दिया जाता है और उन्हें जीवन भर उसी लेबल के साथ पहचाना जाता है। 5 की उम्र में आपके ध्यान का स्तर, या 6 की उम्र में, 15, 7 या 20 की उम्र में आपके ध्यान का स्तर बिल्कुल अलग हो सकता है ना। क्या कई लोगों का यह स्तर बेहतर नहीं हो गया है? है ना। स्कूल के पहले दिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, बाद में आ गया,
या शायद पहले दिन आपको लगा कि आपको सब समझ में आ गया, पर साल भर आपने कुछ नहीं किया। हाँ या ना? आप एक जवान आदमी हैं, क्या पड़ोस में लड़कियां हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो। नहीं, वो ठीक है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। क्या पड़ोस में लड़कियां हैं, मैंने पूछा। नहीं, आमतौर पर इंजीनियर ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां लड़कियां कम होती हैं, इसलिए। वो किसी वजह से दूर चली गई होंगी। ये कहां से आया मैकेनिकल इंजीनियर? मशीन आपके सिर में है। तो आप युवा हैं, अब आप किसी की तरफ खींचते हैं, ध्यान देना जरूरी नहीं है, है ना? हेलो, ध्यान नहीं देना पड़ता, वे खुद समा जाते हैं। तो ये बस रुचि की बात है। इफ यू हैव अ डीप लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, अटेंशन विल कम। अगर किसी चीज में आपकी गहरी रुचि है तो ध्यान लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा? पर फिलहाल किसी चीज में आपकी रुचि नहीं जगी है। पता नहीं आप लंदन में कौन सी मशीन संभाल रहे। सुना है कि घड़ी रुक गई है। तो अगर कोई चीज आपको बहुत आकर्षित करे तो ध्यान क्यों नहीं लगेगा? ध्यान लगेगा। क्या वैसा लगेगा जैसा दूसरों का लगता है? शायद नहीं। स्कूल में जो होता था उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं लगा, क्योंकि मुझे वो दिलचस्प नहीं लगता था, पर मेरा ध्यान बाकी सभी चीजों पर लगता था। तो मतलब यह है कि मुझे ध्यान की कमी थी? नहीं, वो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते थे मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी। बस तो अभी दुर्भाग्य से पड़ोस की सभी लड़कियां दूर चली गई हैं, तो आप में ध्यान की कमी है। कुछ ऐसा ढूंढिए जिसके लिए आप में जुनून हो, ध्यान लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जरूरी नहीं है कि मेरी कही हुई चीज पर, कोई भी चीज। मैंने लड़कियों का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि एक केमिकल सपोर्ट होता है। हाँ, आपकी केमिस्ट्री आपका ध्यान लगवा देती है, वरना ध्यान लगाने के लिए थोड़ी ज्यादा कोशिश जरूरी है। आपको थोड़ा जुनून रखना होगा ताकि आपको कोई चीज जरूरी लगे जो आपके लिए जरूरी हो। अगर यह समझ में आ गया तो ध्यान अपने आप लगेगा। मुझे पता है कि लोग कुछ और कहेंगे, पर मैं कह रहा हूं कि बचपन से लेकर अब तक आपके मन की जैसी भी हालत रही है, जरूरी नहीं है कि आपके मन की हालत हमेशा वैसी ही रहे। सबसे आसान काम है अपने मन का ढांचा बदलना, है ना? अपने शरीर का ढांचा बदलना बहुत मुश्किल है, अपने मन का ढांचा बदलना सबसे आसान काम है, क्योंकि यही सबसे लचीली चीज है। पर आपने अब उसे ही ठोस बना लिया है। अपने सिर का आप क्या काम लेना चाहते हैं? बस हेडबटिंग? मैं पूछ रहा हूं, आपको इसे जितना हो सके लचीला रखना चाहिए, है ना? हेलो, अब आपने इसे एक कंक्रीट ब्लॉक जैसा ठोस बना लिया है। आपका इरादा क्या है? मुझे लगता है तभी इतने सारे लोग फुटबॉल देखते हैं। बस
यही चीज आपको पसंद है। अगर अच्छे से करें तो ये भी ठीक है, पर सिर का इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है और बहुत से काम आप तभी कर सकते हैं जब आप इसे बिल्कुल तरल और लचीला रखें, वरना ठोस कंक्रीट के ब्लॉक से कुछ ही चीजें हो पाएंगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे आपको जो भी नाम दें। अगर आप चाहें, आप अपने मन का ढांचा बदल सकते हैं।